सके। तो आज हम चर्चा करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में कि जो संधारित्र होता है उसमें ऊर्जा कैसे संचित होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना, हमको पता है कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र में क्या होता है, एक प्लेट पर, इसमें दो प्लेटें होती हैं, है ना। कितनी प्लेटें होती है संधारित्र में, दो प्लेटें होती है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, इस तरीके से दो प्लेटें होती है संधारित्र में, है ना। एक पर प्लस क्यू, देखिए यहां पर मैं कैपिटल ले रहा हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना। एक पर प्लस क्यू चार्ज रहता है, एक पर माइनस क्यू। हम कहते हैं संधारित्र की धारिता सी है, प्लेटों के बीच विभवांतर वी। तो क्या ये जो संधारित्र होता है जब आप इसको आवेशित करते हैं तो क्या सारा आवेश एक साथ चला जाता है या एक एक करके जाता है। मतलब संधारित्र की जो जो आवेश संधारित्र पर होता है, जैसे हमने कहा संधारित्र को क्यों आवेश दिया गया है, है ना। मतलब इसकी जो पहली प्लेट है उस पर प्लस क्यू और दूसरी पर उतना ही आवेश संरक्षण से माइनस क्यू है। तो क्या ये सारा का सारा आवेश एक साथ चला जाता है या टुकड़ों टुकड़ों में जाता है, और जब ये आवेश संधारित्र में जाता है तो क्या अपने आप चला जाता है या कुछ कार्य करना पड़ता है। और ये जो हम कार्य करते हैं तो हम तो जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये कहां संचित होता है संधारित्र के अंदर, इसको हमें देखना है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है। अब देखिएगा, आप इसमें हम बात करेंगे कि जब हम, अभी हमने बात की कि संधारित्र को आवेशित करते हैं, तो जब भी हम संधारित्र को आवेशित करेंगे तो हमको उसको आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो जब भी हम संधारित्र को आवेशित करेंगे, हमें संधारित्र को आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है। क्लियर है कि संधारित्र को जब भी हम आवेशित करेंगे तो हमें आवेशित करने में कार्य करना पड़ेगा, और जो हम कार्य करेंगे वही कार्य उस संधारित्र के अंदर विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मतलब जैसे आप संधारित्र है, आपको आवेशित करना है, ओके, तो आपको काम करना पड़ेगा, है ना। कैसा संधारित्र, चलिए मान लीजिए एक संधारित्र है जो पूरी तरह से चार्ज्ड हो चुका है, पूरी तरह से आवेशित है और फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है ना। तो वो फाइनल स्टेज पर पहुंचा, उस समय क्या है, हम एक कल्पना कर लेते हैं। एक संधारित्र, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस चित्र में आपको बताया था कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता सी है, ठीक है, कितनी धारिता है सी है, और इसकी, इसको क्यू आवेश दिया, मतलब इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू है, तो इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर है। अब सवाल यह है कि जो संधारित्र आपने अभी देखा है, जिस पर आपको, आपने कहा एक पर प्लस कैपिटल क्यू, एक पर माइनस कैपिटल क्यू आवेश है, धारिता कैपिटल सी है, विभवांतर उनके बीच में, प्लेटों के बीच में वी है, तो क्या ये सारा आवेश जब आप संधारित्र को आवेशित कर रहे थे तो क्या यह सारा आवेश एक साथ चला गया था, सारा आवेश क्या एक साथ चला गया था या धीरे धीरे टुकड़ों में गया था। और याद रखना कि जब भी आप किसी संधारित्र को, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मतलब बता रहा हूं कि जब भी आप किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, है ना, तो संधारित्र को आवेशित करने में आपको कार्य करना पड़ेगा, और जो भी आप कार्य करेंगे, है ना, वो उस संधारित्र में विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। मतलब संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, सरल शब्दों में बोले, मतलब आप संधारित्र को जब आवेशित करने जाएंगे, जैसे मान लीजिए अनावेशित प्लेट है और आपने उसको आवेशित करने गए, तो फिर वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वो ऊर्जा कितनी होती है ये हमें पता करना है। तो हमने कहा कि हमारा एक जो बढ़िया स्टैंडर्ड संधारित्र जो तैयार हो गया है, उस पे एक प्लेट पर कैपिटल क्यू है, उस पर दूसरी पर माइनस कैपिटल क्यू है, और इसकी धारिता सी, प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। तो क्या ऐसा एकदम, अब मैं यहां सवाल उठा रहा हूं कि ये सब क्या एकदम से हो गया होगा या टुकड़ों टुकड़ों में हुआ होगा, है ना। क्या बात कर रहे हैं हम कि ये सब एकदम से हुआ या टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि ये सब एकदम से हुआ या टुकड़ों टुकड़ों में हुआ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम इसको भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टेज लेते हैं, एक शुरुआत करते हैं। शुरुआत ये करते हैं, हम समझ गए कि संधारित्र को जब हम आवेशित करेंगे तो संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी, उसके मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, आवेश को छोटे छोटे भागों में उसकी दूसरी प्लेट से हमको पहली प्लेट तक
स्थानांतरित करना होगा, मतलब सेकंड प्लेट से पहली प्लेट तक आवेश को हमको क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार क्या होगा, एवरी टाइम आपको जो चालक प्लेट दूसरी है उस चालक प्लेट दूसरी से पहली तक ले जाने में आपको हमेशा हर बार क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्योंकि हर स्टेप में ये होगा कि जो चालक दो है उसकी तुलना में चालक एक पर विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो आपको फिर काम करना पड़ेगा। जब आप कम विभव से ज्यादा विभव वाली साइड में जाने की कोशिश करेंगे आवेश को ले जाने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम, है ना, हम शुरू करते हैं कि चलिए मान लीजिए हम एक स्टेज लेते हैं शुरुआत में। देखिए ध्यान से समझना, शुरुआत करते हैं, शुरुआत मतलब हम स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग से मतलब है कि चलिए संधारित्र को कुछ आवेश देते रहे होंगे, मतलब जैसे पहले दोनों आपने क्या करा, दोनों ऐसी प्लेटें ले ली जिस पर कोई आवेश नहीं। ओके, कोई आवेश नहीं, फिर आपने थोड़ा आवेश देना शुरू करा, है ना। तो जब थोड़ा आवेश देना शुरू करा तो एक स्थिति के अंदर आकर, एक कोई मध्य स्थिति ऐसी आई जहां पर आपने उसको ऑब्जर्व किया कि चलिए अभी क्या स्थिति है। तो वो स्थिति में आपको बताता हूं, उस समय आपने देखा कि संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है, आपने देखा इस तरह से। देखिए आप पहली प्लेट पर ये प्लस क्यू और दूसरी पर ये माइनस क्यू है। ओके, ठीक है, इस पर आप भाई आवेश देते गए, देखिए पहले तो अनावेशित थी, आवेश देते गए तो इस पर आ गया प्लस क्यू और इस पर आ गया माइनस क्यू। कैपिटल क्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैपिटल क्यू तो आपका अल्टीमेट रहेगा लास्ट में जाकर, शुरुआत की बात कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत आवेश दिया तो इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू आ गया। ओके, ये स्मॉल है ना, शुरुआत मतलब किसी क्षण, शुरुआत तो नहीं कहेंगे, किसी क्षण मतलब जब उसको आप थोड़ा 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 चार्ज करते रहे तो किसी क्षण आपने देखा, थोड़ा सा बीच में आके आपने देखा कि इस पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। ओके, अब आप अभी और चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि ये आवे और अधिक आवेशित हो, ऐसा आप चाह रहे हैं, और अधिक आवेशित हो ऐसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, और अधिक आवेशित होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आवेश को यहां से यहां तक लाना पड़ेगा, है ना, इस सेकंड प्लेट से पहली प्लेट तक आवेश को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और लाते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इस पर कैपिटल क्यू आ जाएगा और इस पर माइनस कैपिटल क्यू। ओके, मतलब इस पर कैपिटल क्यू आ जाएगा प्लस का, ठीक है, और इस पर माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो फिर इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, अभी इस पर स्मॉल प्लस क्यू है, माइनस प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का विभवांतर आपका कितना है, वी डैश है। मान लो अभी वो फाइनल पोजीशन पे नहीं है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है, धारिता तो सी है, यहां भी धारिता सी है, यहां भी धारिता सी थी, लेकिन अभी आप बीच में चल रहे हैं, मतलब अभी आपको आवेश को और इधर से इधर लाना है। तो ऐसा एक क्षण आपने सिलेक्ट किया जब पहली प्लेट पर प्लस क्यू है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू है। तो आपने कहा ऐसा मैंने सिलेक्ट कर लिया कि एक पर प्लस क्यू बीच, दूसरी पर माइनस क्यू, और ये इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, वी डैश है। तो विभवांतर निकालना है तो धारिता का सूत्र तो जानते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अगर आप वी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, वी को इधर ले लो तो वी का मान क्या होना चाहिए, क्यू अपान सी। लेकिन यहां क्या, ये वी है, वी नहीं है, ये वी डैश है, तो यहां से निकल जाएगा वी डैश इज इक्वल टू, आवेश तो क्यू ही है, धारिता सी है, धारिता नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, इसलिए नहीं बदलेगी कि भाई वो संधारित्र की धारिता आखिरी में जाकर कितनी बनना है, आपकी टोटल धारिता सी ही बनना है, तो संधारित्र की कैपेसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, तो ये सी रहेगी। तो देखिए अब वी की जगह यहाँ वी डैश हो गया, तो वी डैश का मान क्या आ जाएगा, वी डैश का मान आ जाएगा क्यू अपान सी। ये आप इक्वेशन नंबर वन कर दीजिए कि हमने जब देखा बीच में कहीं, हमने देखा कि एक पर प्लस क्यू था, दूसरी पर माइनस क्यू था, उनके बीच का विभवांतर वी डैश था। ओके, तो हमने कहा कि भाई आपका जो है वी डैश का मान क्यू अपान सी। देखिए इस बात को यहां थोड़ा सा मेरे से देख लीजिए कि देखिए मैं इस पे दिखा देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये यहां, इस पे देखिए आपको अल्टीमेट शुरुआती स्थिति ये हो सकती है, आखिरी में अल्टीमेटली आपको ऐसा लाना है, इस पर प्लस क्यू लाना है, इस पर माइनस क्यू लाना है, ठीक है, ये आखिरी में आपका आना चाहिए, मतलब ये संधारित्र की फाइनल पोजीशन होगी और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर वी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, मतलब इसको आपने क्यू आवेश दिया और इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर वी और संधारित्र की धारिता फिक्स हो गई सी। अब आपने कहा कि ठीक है, अब हमने दो ऐसी प्लेटें ले ली जो अनावेशित है, फिर हम आवेश देते गए देते गए देते गए, तो एक स्थिति ऐसी आई जिस पर इस पे प्लस क्यू है छोटा वाला और इस पर माइनस क्यू, और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर वी डैश कितना है, वी डैश। ओके, ये आपका वी डैश हो गया, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, वी डैश। ओके, क्लियर है, देखिए
थोड़ा सा अगर आप लोगों को नहीं वो हो रहा हो तो मैं विजन थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। देखिए ये शुरुआती स्थिति होगी है ना, स्टार्ट वाली। देखिए आप थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं। यस देखिए, मैं कह रहा था कि देखिए यहां पर क्या होना था कि ये यहां आपका है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, प्लस क्यू माइनस क्यू और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V। ये संधारित्र की फाइनल पोजीशन, धारिता आपकी कितनी है सी, सी है ठीक है। अब जब आपने इसको क्या हुआ होगा, शुरू में तो दोनों प्लेटें अनावेशित होगी, तो आपने स्टार्ट किया हुआ तब तो दोनों अनावेशित होगी ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसको आवेशित करना शुरू किया। तो यहां एक बीच की स्थिति ऐसी ले लेता हूं कि इस पर आपका है प्लस क्यू, इस पर है माइनस क्यू और दोनों के बीच का विभवांतर है वी डैश। ओके कितना है, वी डैश है। अब इस स्थिति से इसको और आवेशित करना है, इस स्थिति से इसको और आवेशित करना। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और सूत्र क्या है, सी इज इक्वल टू है क्यू अपान वी। क्या है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, यही है ना, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। तो यहां आपका क्यू क्या है, कैपिटल क्यू है। ये देखिए ऐसे हो रहा है ना। अब यहां देखिए ये तो फाइनल अल्टीमेट पोजिशन है, इसको तो अंत की बात है। अभी यहां है हम, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू और विभवांतर वी डैश है। अब आपने कहा सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान वी। तो अगर आप यहां से वी निकालेंगे तो क्या होगा, क्यू अपान सी। लेकिन यहां वी है क्या, वी नहीं है, वी डैश है। तो वी डैश इज इक्वल टू हो गया क्यू अपान सी। ये वाला जो आपका वी डैश है ये आपने निकाल के अभी रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहां के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको और इसको आवेशित करना है, क्योंकि अभी आपको यहां पहुंचना है इस जगह, अभी आप यहां है और यहां पहुंचना है, मतलब यहां है और यहां पहुंचना है, मतलब और आवेशित करना है। अब और आवेशित करना है तो क्या होगा, ये आपका आवेश क्या होगा, दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की ओर ट्रांसफर करो, स्थानांतरित करो, स्थानांतरित होगा तभी तो आवेशित होगा। तो आवेश दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की ओर स्थानांतरित होगा तो काम करना पड़ेगा ना, वही आपको मैं बताने जा रहा था कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़े। देखिए अब मैं कहने जा रहा था आपको कि ये देखिए आप इस यहां स्लाइड में देखिए कि ये दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की ओर आपको आवेश को ले जाना पड़ेगा, मतलब ये कहीं मिडवे पोजीशन है, बीच की किसी क्षण की स्थिति है, जब पहली प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरी पर माइनस क्यू है ठीक है। ओके और इनके बीच विभवांतर है विदेश, तो विदेश निकाल लिया, विदेश इज इक्वल टू क्यू अपान सी, क्योंकि सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है सूत्र है। अब मान भरने गए तो सी है, क्यू भी क्यू है और वी की जगह क्या है, विदेश, तो विदेश है, तो विदेश हो जाएगा क्यू अपान सी। क्लियर हुआ। अब यहां से आप, मैंने आपको क्या सिखाया कि आपको कौन सी पोजिशन पे पहुंचना है, जब इस पर कैपिटल क्यू आ जाए, इस पर माइनस कैपिटल क्यू आ जाए और विभवांतर भी हो जाए, तो वो स्टेज पर पहुंचने के लिए, मतलब उतना ज्यादा आवेश तक पहुंचने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, ये आवेश को छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की ओर ले जाना पड़ेगा, सेकंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट की ओर आवेश को टुकड़ों 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 में ले जाना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। तो जब आप कार्य करेंगे वो कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और वहां से आपका फार्मूला निकल जाएगा। अब आप कहेंगे क्या एक साथ ले जाते हैं, अरे भाई एक साथ तो ले नहीं जाते, छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाना है, तो चलिए ले जाते हैं। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिएगा अब एक अतिरिक्त आवेश, मतलब यहां से एक आवेश dq को मैं इस सेकंड प्लेट से पहली प्लेट पर ट्रांसफर करता हूं, है ना, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट पर कितने आवेश को ट्रांसफर करता हूं, dq को, छोटा आवेश dq, ये छोटा सा एक अतिरिक्त आवेश dq को मैं इधर से इधर लाता हूं। ओके तो ले आता हूं मैं dq को इधर से उधर, तो कितना काम करना पड़ेगा ये देखना चाह रहा हूं मैं। तो dq को जब मैं इधर लाऊंगा तो इस प्लेट पर आवेश क्या हो जाएगा, या तो इसको यहां लिख लूं q + dq, या इसको लिख लूं माइनस क्यू माइनस डी क्यू, मतलब डी क्यू इसमें से कम होगा और इधर आएगा। ओके तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए ये डी क्यू आवेश में इधर से इधर लाया है ना, तो यहां आपका लिख दीजिए माइनस क्यू माइनस डी क्यू लिख देना आप ये इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब ये डी क्यू चार्ज आपका इधर से इधर आया। अब क्या हुआ इस प्रक्रिया में कितना कार्य हुआ, तो अब देखिए कार्य निकालना है और एक छोटे आवेश को लाने में, मतलब एक छोटे अतिरिक्त आवेश को लाने में किया गया कार्य निकालना है। कार्य क्या होता है, देखिए एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो आपका कहलाता है विभव, है ना, और दो बिंदुओं के बीच अगर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो वो उन बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। मतलब यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर होगा, अगर दो पॉइंट है आपके प्लेट टू से प्लेट एक के बीच में लाने में किया गया कार्य तो विभवांतर है। एकांक आवेश को कितने आवेश को ला रहे हो, डी क्यू आवेश को, तो विभवांतर में आपका डी क्यू का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, किया गया कार्य dw बराबर
वी डैश डी क्यू। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं आया कहां से डीडब्ल्यू बराबर वी डैश डी क्यू, तो देखिए समझाता हूं मैं। एक यहां से यहां तक एकांक आवेश को, मतलब प्लेट टू से प्लेट वन तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा, वो हो गया वी डैश। अब आप कितने आवेश को ला रहे हैं, डी क्यू आवेश को ला रहे हैं, तो आप कहना कि जब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य वी डैश है तो डी क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा वी डैश गुणित डी क्यू, है ना। तो ये हो गया वी डैश गुणित डी क्यू और ये कार्य को आपने लिख दिया डी डब्ल्यू। अब वी डैश का आपने मान भरना है, आपको पता है ना वी डैश का मान कहां से आया, ये समीकरण नंबर एक से आया जिसमें आपने वी डैश का मान निकाल रखा था क्यू अपान सी, तो ये यहां रख दीजिए क्यू अपान सी, तो ये हो गया वी डैश का मान क्यू अपान सी डी क्यू। ठीक है, ये आप एक अतिरिक्त आवेश डी क्यू को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पर आपने ट्रांसफर कर दिया, और जब आपने ट्रांसफर किया तो आपने किया कार्य, और कार्य जो है वो आपने लिख दिया डी डब्ल्यू बराबर विभवांतर और आवेश के परिमाण का गुणा। तो विभवांतर आपका कितना है वी डैश है, आवेश का परिमाण जो आपने ट्रांसफर किया वो, तो कितना किया डी क्यू, दोनों का गुणा कर दिया, है ना। कहां से आया सूत्र ये भी सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपका वी डैश का मान क्या हुआ, वी डैश हुआ आपका क्यू अपान सी जो अभी निकाल रखा था अपन ने, वो आप यहां रख दीजिए, ये समीकरण नंबर एक में आपने अभी निकाला था, है ना। तो वी डैश इज इक्वल टू क्यू अपान सी आपने यहां रख दिया, तो ये डी डब्ल्यू का मान आ गया क्यू अपान सी डी क्यू। ओके, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो टोटल आवेश को जो है, मतलब जैसे आपने कहा कि जैसे शुरू में इस पर आवेश नहीं था, है ना, मतलब शुरू में मान लीजिए जीरो आवेश था, और टोटल कैपिटल क्यू आवेश को मुझे ट्रांसफर करना है पूरे के पूरे को, जैसे अभी ये मध्य स्थिति है ना कि आप प्लस क्यू को ट्रांसफर कर पाए और एक्स्ट्रा डी क्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं कि चलो मान लो शुरू में इस पर जीरो था और पूरा कैपिटल क्यू ट्रांसफर करो, तो फिर क्या होगा, ये तो एक टुकड़ा ट्रांसफर करने में किया गया कार्य, अब आप पूरा करना चाह रहे हैं, क्या करें। आपने, आपको इसके लिए एक बात बताता हूं, एक आइडिया बताता हूं, वो ये है कि जब आप एक छोटे आवेश को करने में, छोटे आवेश को ट्रांसफर करने में जब आप कार्य निकाल लें, और आपको पूरे आवेश को ट्रांसफर करने में कार्य निकालना हो, तो फिर आप कर लीजिएगा समाकलन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे, मतलब उन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को उत्तरोत्तर रूप से सक्सेसिवली जोड़ना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब वो सारे काम जोड़ना पड़ेंगे ना, तभी तो ये कैपिटल क्यू उस पर आएगा, तो वो काम जोड़ना पड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां समाकलन करना पड़ेगा। तो आपको पूरे आवेश को, मतलब आपका कितना, संपूर्ण आवेश क्यू को, मतलब कैपिटल क्यू को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक ट्रांसफर करने में कितना काम करना पड़ेगा, मतलब आपका यहाँ इस पर कैपिटल क्यू आवेश आ जाए इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि इसके लिए आप कार्य को क्या लिखेंगे, इसके लिए आप कार्य को लिखेंगे कि आप समाकलन कर देंगे इसका, इस छोटे कार्य का समाकलन कर दीजिए, कौन सी लिमिट में, जीरो से कैपिटल क्यू की लिमिट में। अभी आपने ये लिमिट क्यों ली जीरो से कैपिटल क्यू की, अरे भाई जीरो से कैपिटल क्यू की लिमिट हमने इसलिए ली कि शुरू में हमने मान लिया कि संधारित्र पर आवेश ही नहीं है, केवल ही अनावेशित प्लेट है, तो फिर आवेश कितना हो गया, जीरो। अब टोटली उसको आप कितना आवेशित करना चाहते हैं, आप उसको कैपिटल क्यू तक आवेशित करना चाहते हैं, तो ये जीरो से हो गया कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू तक आवेशित कर दिया आपने। तो जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक अगर आवेशित करना है, और ये बीच की स्थिति जहां आपने कहीं देखा था कि अरे मतलब जीरो के बाद की स्थिति थी कि यहां कहीं इस पर प्लस क्यू था, इस पर माइनस क्यू था स्मॉल लेटर्स में, है ना, और फिर आप इस पर डी क्यू ट्रांसफर कर रहे थे, तो किया गया कार्य आपने निकाल लिया। देखिए ध्यान रखना, जब भी आप पूरे सिस्टम में, पूरे निकाय के अंदर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ना किसी चीज को, तो पहले एक छोटा सा आपको आवेश ट्रांसफर करना चाहिए और उसका कार्य निकाल लेना चाहिए, फिर पूरे निकाय के लिए आपको निकालना चाहिए। अब समाकलन में क्या होता है, लिमिट होती है, तो लिमिट ये है कि भैया जी शुरू में कोई आवेश ट्रांसफर नहीं हुआ, तो लोअर लिमिट या नीचे की लिमिट हो गई जीरो, और कितना आवेश करना है, संपूर्ण आवेश कितना है, क्यू, मतलब यहां पर कैपिटल क्यू आ जाना चाहिए। अब यहां पर कैपिटल क्यू आवेश आएगा तो हम मानेंगे कि पूरा आपका ये संधारित्र आवेशित हो गया, तो ये जीरो से कैपिटल क्यू की लिमिट में चला गया, और ये मान आपका क्यू अपान सी डी क्यू यहां आ जाएगा। भाई एक छोटे डी क्यू को आवेशित करने में किया गया कार्य था, अब पूरे कैपिटल क्यू को ट्रांसफर करना है ना, छोटे डी क्यू को ट्रांसफर करने में किया गया कार्य था ना, अब पूरे पूरे कैपिटल क्यू को, मतलब पूरे आवेश को ट्रांसफर करने में कार्य हो गया जीरो से क्यू, क्यू अपान सी डी क्यू। अब आप देख लीजिए इसको हल करना है आपने, और हल करने के बाद हमने देखा कि चित्र आपका किस तरीके से, स्थिति आपकी क्या बन जाएगी। आप कहेंगे क्या एग्जाम में चित्र बनाना है,
इस प्रश्न के अंदर एग्जाम में चित्र बनाना ही नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आपका स्वागत है, दो चित्र बना सकते हैं आप, है ना, ये दो चित्र आप परीक्षा में बना सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं बनाएंगे तो भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है परीक्षा में। तो देखिए अब ये देखिए यहां पर देखिए ये फाइनल स्थिति बन जाएगी बेटा, इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, इस पर माइनस क्यू। देखिए जब आप पूरे आवेश क्यू को ट्रांसफर कर देंगे तो इस पर प्लस क्यू होगा, आवेश संरक्षण से इस पर क्या होगा माइनस क्यू, और इनके बीच का विभवांतर कौन हो जाएगा कैपिटल वी। अभी इस स्थिति में क्या था प्लस क्यू और माइनस क्यू, स्मॉल जब बीच की स्थिति थी तब इनके बीच का विभवांतर वी डैश था, लेकिन जब ये क्या हुआ पूरा ट्रांसफर हो जाएगा तो इनके बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा वी हो जाएगा, है ना। तो इसको पूरा ट्रांसफर करने में किया गया कार्य, मतलब ये स्थिति लाने में किया गया कार्य निकालना, तो ये कार्य हो गया जीरो से क्यू की लिमिट में क्यू बटे सी डी क्यू। इसमें सी जो है बेटा आपका कांस्टेंट है, धारिता आपकी संधारित्र की एक बार निर्धारित हो गई है, तो ये एक बटे सी को आप बाहर ले लीजिएगा और फिर आप समाकलन कर दीजिएगा जीरो से क्यू की लिमिट में डी क्यू के लिए। तो यहां से सी को आप बाहर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब सी बाहर हो जाएगा तो ये वन अपान सी हो जाएगा और जीरो से क्यू डी क्यू बच जाएगा, ठीक है। ऐसा कर देता हूं मैं, देखिए ये आपने वन अपान सी को बाहर ले लिया तो आपकी इंटीग्रेशन के अंदर बचा जीरो से कैपिटल क्यू की लिमिट में क्यू डी क्यू। यहाँ नीचे भाई सी बाहर हो गया है तो यहाँ नीचे एक बचा, इसलिए केवल ये क्यू बचा हुआ है। अब देखिए ये समाकलन आपको आता नहीं है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैथ्स वाले तो क्या करेंगे कि इस साल अब मैथ्स के स्टूडेंट जो है वो इस समाकलन को इस साल पढ़ लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ देखिए कैसे, और मैथ्स वाले भी चूंकि अभी नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए एक बार मैथ्स वाले भी देख लें। जैसे कोई समाकलन होता है, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, एक्स टू द पावर एन डीएक्स, ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डीएक्स, मतलब एक्स की घात एन डीएक्स का इंटीग्रेशन जब आप करने जाते हैं तो इसका उत्तर आता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। मतलब किसी भी कोई भी अगर आप समाकलन लेना चाह रहे हैं और वो है x की पावर n dx तो उसका जवाब होगा x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, ठीक है। अब ऐसे में ये तो सूत्र हो गया, अगर समाकलन आपको खाली x का निकालना है तो इसकी अब देखिए x की पावर n dx है तो ऊपर देखिए जो भी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और वो वैल्यू ऐसी कैसी नीचे आती। अब यहां x dx निकालना तो देखिए x dx निकालना ना, तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा इसको x की पावर 1 मान लो वन में, अब हल कर दीजिए, n की जगह एक रखा है, n की जगह कितना रखा है, n की जगह रखा है एक, हल करिए तो ये हो जाएगा x की पावर n की जगह एक है तो एक धन एक बटे एक धन एक, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान टू, एक्स स्क्वायर बटे दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बटे दो हो जाएगा। तो x dx का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे दो, सूत्र कौन सा है ये सूत्र, n की जगह कितना लिखा था एक लिखा था, x की घात n dx समाकलन, x की घात n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो यहां x की घात एक dx है, x dx मतलब x की पावर वन dx। अब आपको मालूम है कि यहां n की जगह वन लिखा है तो ये हो जाएगा आपका x की पावर वन प्लस वन बटे वन प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू। अब यहां भी देखिए आपके इस प्रश्न के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही लिखा, देखो आप कैसा लिखा, आपके इसमें भी ऐसा ही लिखा है कि ये लिखा है आपका, देखिए ये जो लिखा है आपका यहां पे लिखा है समाकलन में क्यू डी क्यू, मतलब वही क्यू डी क्यू है, मतलब वही एक्स डी एक्स, तो क्यू डी क्यू है, एक्स डी एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो क्यू डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू हो जाएगा। तो ये समाकलन आप इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू। तो चलिए इसको हल कर दीजिए, देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में हल कर रहा हूं उसको, ये हो गया वन अपान सी, ये समाकलन क्यू डी क्यू हल करेंगे, ये लिमिट को बाद में पीछे लगा देंगे, तो क्यू डी क्यू को हल कीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय टू। कहां से आया मैंने आपको बता दिया कि जब समाकलन एक्स डी एक्स होता है तो एक्स स्क्वायर बाय टू होता है, तो यहां समाकलन क्यू डी क्यू है तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू। इसमें समाकलन का निशान भी हट जाएगा, क्यू भी हट जाएगा और डी क्यू भी हट जाएगा और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, और ये जो जीरो से क्यू की लिमिट है ये इसके पीछे आ जाएगी। तो लिमिट लगा दीजिए जीरो से क्यू की, एक बड़ा कोष्टक लगा दीजिएगा और जीरो से क्यू की
लिमिट डाल दीजिएगा। तो ये आपने जीरो से क्योंकि यहां लिमिट डाल दी है, जीरो से क्योंकि लिमिट, देखिए ये वाली लिमिट यहां आ जाएगी। अब आपको यहां पर लिमिट लगाना है, लिमिट अप्लाई करना है। तो पहले क्या करते हैं, ये ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट कैसे लगाते हैं ये भी सिखा देता हूं मैं। पहले ऊपर वाली लगाना है। अब ऊपर वाली लगाना है तो क्या करेंगे देखना, इस स्मॉल क्यू की जगह पहले कैपिटल क्यू लिखना, ठीक है, और फिर स्मॉल क्यू की जगह जीरो लिखना। मतलब पहले एक बार इस पूरे कोष्टक को कैपिटल क्यू करके, स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू करके लिख लो, फिर माइनस करना और इस पूरे कोष्टक को स्मॉल क्यू की जगह जीरो करके लिख देना। तो देखिए क्या बनेगा देखना आप, ये बनेगा वन अपान सी आई, पहला ब्रिकेट क्या बनने वाला है कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, फिर माइनस दूसरा ब्रिकेट क्या बनने वाला है जीरो स्क्वायर बाय टू। अरे भाई जीरो स्क्वायर बाय टू मतलब क्या, जीरो। तो फिर केवल इस लिमिट को लगा देने से ही आपका काम यहां प्रश्न में चल रहा है। मतलब आप यहां पर इसको लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो स्क्वायर बाय टू, जरूरत नहीं, सीधे लिखिए कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, और इसके कारण ये लोअर लिमिट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, या लगाई तो आपने जीरो हो गई। तो अब ये क्या हो गया देखिए, वन अपान सी ये हो गया कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, और ये माइनस करके जीरो स्क्वायर बाय टू लिखना था, नहीं लिखा है ना, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो, और फिर जीरो में किसी संख्या का भाग वो भी हो जाएगा जीरो, तो इसको हटा दो, केवल ये लिखना कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू। तो ये हो गया किया गया कार्य, कौन सा कार्य, पूरे आवेश कैपिटल क्यू को आप ले आए, तो यहाँ कैपिटल क्यू हो गया और यहाँ माइनस कैपिटल क्यू हो गया, आवेश संरक्षण से ये बराबर है आपका, तो ये हो गया माइनस। अब ये आ गया किया गया कार्य, और यही कार्य किस रूप में संचित होता है, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यू का आपका सूत्र आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान टू सी। ये संधारित्र में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसका आपका फार्मूला आ जाएगा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान टू सी। आप कहेंगे बड़ा कठिन लग रहा है, अरे कठिन नहीं है, जरा सी स्टेप है थोड़ी सी, कि सबसे पहले आप डी क्यू आवेश को ट्रांसफर करने में कार्य निकाल लेना डी डब्ल्यू, है ना, तो ये हो जाएगा वी डैश डी क्यू, ठीक है, फिर वी डैश का मान भर देना, ओके, और उसके बाद आप क्या करना पूरे आवेश को ट्रांसफर करने में कार्य निकाल लेना लिमिट लगा के, बस दो स्टेप है, और ये समाकलन हल करना आपको आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप दोबारा देखना और दोबारा देखकर एक एक स्टेप को हल करना, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जब फार्मूला आ जाता है तो ये है यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, बिल्कुल संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया। लेकिन आपको यहां एक बात बता देता हूं, ये जो ऊर्जा रहती है ना ये किस रूप में रहती है, जो भी संधारित्र में यहां जो ऊर्जा है ये ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच का ये जो माध्यम देख रहे हैं मीडियम, जो भी माध्यम भराओ, अभ्रक कागज मोम है ना, जो भी भराओ है ना, इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहेगी ई के रूप में। ये प्लस से माइनस की ओर जो विद्युत क्षेत्र है ना इसके रूप में ये आपको एनर्जी संचित रहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना कि संधारित्र को दी गई ऊर्जा जो है वो दोनों प्लेटों के बीच माध्यम के विद्युत क्षेत्र में के रूप में, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। संचित क्या रहती है, माध्यम में रहती है, किस रूप में रहती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में रहती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आपका प्लस से माइनस की ओर होता है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर होता है, ठीक है। ये संधारित्र में हो गई संचित ऊर्जा आपकी, तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हो गया U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। ये पूरा आवेश कैपिटल क्यू आपका आ गया और ये आपका काम हो गया। ये स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू का कन्वर्जन हुआ है बेटा, है ना, क्योंकि आपने एक स्टेज ली थी एक इस पर प्लस स्मॉल क्यू और इस पर माइनस स्मॉल क्यू था, और फिर आपने डी क्यू चार्ज को इधर से उधर लिया था और किया गया कार्य डब्ल्यू निकाला था, और फिर पूरे कैपिटल क्यू चार्ज लाने के लिए किया गया कार्य आपने निकाल लिया, तो समाकलन किया जीरो से क्यू के बीच में, क्लियर हुआ। अब ये जो संधारित्र में संचित ऊर्जा का आपका फार्मूला आया है, इस फार्मूला को आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये आ गया। अब यहां से जो आप जानते हैं वो लेता हूं, क्योंकि इस एक से तीन फार्मूला बना लेंगे अपन, देखिए कैसे बनाएंगे एक से तीन। आप जो जानते हैं वो देखिएगा, आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, ओके, C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, भैया कैपिटल क्यू होता है आप कैपिटल क्यू लिखेंगे, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी होता है। तो यहां एक बार आप C की जगह क्यू अपान वी लिख देना तो एक नया सूत्र आ जाएगा, और अगर इसी में C इज इक्वल टू क्यू अपान वी में क्रॉस गुणा करो तो Q की जगह की Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी, तो ये क्यू इज इक्वल टू सी बी भी हो सकता है। मतलब दो बातें हो सकती है, मतलब यहां इस सूत्र के अंदर आप एक बार C का मान भर देना, ये देखिए C की जगह Q अपान वी लिख देना, और एक बार आप Q की जगह C भी लिख देना, सूत्र तो आ ही गया आपका। तो एक बार आप क्या करेंगे, C की जगह Q अपान वी, ये फार्मूला है C इज इक्वल टू Q अपान वी,
तो c की जगह आप लिखना q अपान b, और इसी फार्मूला से एक और निकाल लो, क्योंकि q का मान जब ये उत्तर आ जाता है तो इसके बाद ये तो एक उत्तर हुआ ही आपका। यहां से एक नई बात सिखाता हूं कि इस उत्तर में एक बार आप कैपिटल क्यू का मान भरना, एक बार आप कैपिटल सी का मान भरना, तो दो और उत्तर आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कैपिटल सी का मान क्या भरेंगे, तो क्यू अपान भी रखना। अब आप कहेंगे कैपिटल क्यू का मान क्या भरेंगे, तो देखिए कैपिटल क्यू का मान यहीं से चेक करो, सी भी भरेंगे, ये कैपिटल क्योंकि ये सूत्र है सी इक्वल टू क्यू अपान वी, तो क्यू का मान सी भी भरना। तो चलिए पहले किसको करें, यहां रख दे सी की जगह क्यू अपान वी रखते हैं, चलो समीकरण दो, तो समीकरण दो में मान रखो। ओके तो देखिए ये हो गया यू इज इक्वल टू, ये दो नंबर देखना आप समीकरण, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान टू और सी की जगह लिखा क्यू अपान वी, ये क्यू अपान वी रख दिया टू सी, तो टू क्यू अपान वी। अब तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो बता दो, क्यू से, अरे सिंपल मैथमेटिक्स मतलब नवी दसवीं के, क्यू से क्यू का स्क्वायर कैंसिल करने जाएंगे तो यहां क्या बचेगा, ये एक क्यू बचेगा ऊपर है ना, और ये वी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी, और नीचे आपका क्या रह जाएगा, नीचे आपका रह जाएगा दो, तो ये हो जाएगा क्यू वी अपान टू। ये आपकी एक समीकरण बन गई, देखिए एक ये थी एक ये बन गई, इसमें सी था इसमें सी नहीं है, तो इसमें क्यू और वी आ गया, इसमें वी नहीं था है ना। तो ये ध्यान रखना आपको कि एक बार आप सी की जगह क्यू बटे भी लिखना, आप क्यू की जगह सी भी लिख दो तो फिर एक नई समीकरण बन जाए, क्यू की जगह सी भी लिखो तो फिर से समीकरण दो में मान भरो, और क्यू की जगह सी भी लिखो इस बार, तो रखो क्यू की जगह सी भी, ओके क्यू की जगह रख रहा हूं सी भी, तो ये सी भी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यू का स्क्वायर लिखा है, तो ये हो गया सी भी का स्क्वायर अपान टू सी। ओके अब बताइए क्या बनने वाला है, अरे धड़ाक से बोलो, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान टू सी बन रहा है, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान टू सी, तो एक सी से सी का स्क्वायर में से एक सी कटेगा तो केवल एक सी ऊपर बचेगा, और वी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपान टू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर। अब आप देखिए ध्यान से, ये समीकरण नंबर दो तीन और चार, दो तीन और चार तीनों की तीनों संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र हैं। क्या है ये तीनों के तीनों, संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र है, मतलब जब भी आपको संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात आए तो ये सूत्र भी सही है, ये सूत्र भी सही है, और ये सूत्र भी सही है। ये सूत्र Q और C के पदों में है, ये सूत्र Q और V के पदों में, और ये सूत्र C और V के पदों में, मतलब ये उत्तर आ जाए तो आप C इज इक्वल टू क्यू अपान वी लगाना, तो यहीं से Q इज इक्वल टू C भी हो जाएगा, तो एक बार आप C का मान भर देना, एक बार आप Q का मान भर देना, तो दो नए उत्तर आ जाएंगे। तो संधारित्र में जो हमारी संचित ऊर्जा है उसको अगर हमें निकालना है तो उसका जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया उस पे मैं आपको ले जाता हूं तुरंत जल्दी से, है ना। देखिए संधारित्र में, संधारित्र को जब भी आप, जैसे आप ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं कि सर हम संधारित्र में इस तरफ प्लस क्यू रखना चाह रहे हैं पूरा बड़ा कैपिटल क्यू, और इस तरफ माइनस कैपिटल क्यू रखना चाह रहे हैं, संधारित्र की धारिता सी है और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ जाए, ऐसी व्यवस्था पूरी की पूरी हमको करना है। ओके मैंने कहा चलिए ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि लेकिन अब मैंने कहा कि ठीक है अब दोनों प्लेटें तो अनावेशित है ना भाई, मान लो आप ये अरेंजमेंट लाना चाह रहे हैं जो सामने दिख रहा है कि एक पर आप लाना चाह रहे हैं प्लस कैपिटल क्यू, दूसरे पर लाना चाह रहे हैं माइनस कैपिटल क्यू, वो तो इस पर अगर आप प्लस कैपिटल क्यू लाएंगे तो आवेश संरक्षण से अपने आप इस पर माइनस कैपिटल क्यू होगा, है ना, और दोनों के बीच का विभवांतर भी। तो आप अगर ऐसा लाना चाह रहे हैं, इसको प्लस कैपिटल क्यू चार्ज देना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लेटें अनावेशित है तो आवेश को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है तो आप शुरुआत में कोई स्टेज ले लीजिए जहां से आपको इसको ट्रांसफर करना चाहिए, और आपने ये सीखा कि जब भी किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमको कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य उसमें स्थिति जो आपका जो कार्य आप करेंगे वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ओके तो आपने कहा कि चलिए अभी हमारी जो आइडियल स्थिति हम जो जहां लाना चाह रहे हैं, हमारा जो संधारित्र जिस स्थिति में फाइनली पहुंचेगा वो है कि इसको उसकी धारिता सी रहेगी, कैपिटल क्यू आवेश उसको मिलेगा और उसकी प्लेटों के बीच भी विभवांतर होगा, तो क्या है सारा एक साथ आ जाएगा क्या, तो हमने कहा नहीं आएगा। तो हमने एक छोटी सी स्थिति पर कल्पना की कि आवेश को हमको क्या है छोटे छोटे हिस्सों में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हमने बीच की एक स्थिति पकड़ी जिस स्थिति में क्या था कि एक प्लेट पर स्मॉल क्यू था प्लस क्यू था और दूसरी पर स्मॉल माइनस क्यू चार्ज था। ओके ये आपने ले लिया क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर था विदेश। आपने कहा ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है, बीच की कोई स्थिति पकड़ी, अब यहां से हम आवेश को ट्रांसफर करेंगे और फिर एनर्जी निकालेंगे, मतलब ये एक स्थिति पकड़ ली अपन ने कि एक प्लेट पर प्लस क्यू है एक पर माइनस क्यू, दोनों के बीच का विभवांतर विदेश है। ओके है ना, बीच की स्थिति पकड़ी मतलब इसको
कैपिटल क्यों नहीं मान रहे हैं, स्मॉल क्यों ले लिया, है ना, और विभवांतर आपका विदेश हो गया। और यहां से फिर आप आवेश को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये सिखाया मैंने आपको। तो आप पहले क्या करना है कि इनके बीच का विभवांतर निकाल लेना है, विदेश का मान। तो विदेश क्या होगा, क्यू अपान सी हो जाए, है ना, क्योंकि यहां विदेश देखिए ये तो सूत्र है, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अब इस सूत्र में मान भरो तो सी की जगह तो सी है, क्यू की जगह क्यू है, और वी की जगह क्या है, विदेश है। तो फिर जब आप विदेश निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपान सी। तो ये विदेश का मान आपका जो है क्यू अपान सी हो जाएगा, और इसको आप समीकरण नंबर एक के रूप में लेके लिख लेना, ये मैंने आपको सिखाया है ना। अब उसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, अब आवेश को आपको ट्रांसफर करना है। तो एक छोटा सा आप क्या करेंगे, एक छोटे से टुकड़े को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं आवेश के, कौन सा टुकड़ा, डी क्यू टुकड़ा, किधर से किधर, आपकी दूसरी प्लेट से पहली प्लेट की ओर ट्रांसफर करेंगे। तो ये दूसरी प्लेट से देखिए, दोनों इस चित्र के अंदर देखिए, ये आवेश डी क्यू को मैंने ट्रांसफर किया, और ये आपका आवेश डी क्यू ट्रांसफर हुआ दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पे। तो सबसे पहले छोटे आवेश डी क्यू को ट्रांसफर करने में कार्य निकाल लो आप, है ना, वो कार्य जब आप निकाल लेंगे फिर पूरे आवेश का कार्य निकाल लेंगे समाकलन करके। तो छोटे आवेश को क्या गया कार्य निकालना है, तो देखिए अब डी क्यू को ट्रांसफर करने में कार्य निकालना है, तो आप लिख देना वो कार्य है डी डब्ल्यू, कितना लिख देना, डी डब्ल्यू, ठीक है, वो कार्य को डी डब्ल्यू लिख देना। अब वो डी डब्ल्यू का मान कितना हो रहा, देखिए ये हो रहा है विदेश डी क्यू। अब आप कहेंगे कि ये विदेश डी क्यू कहां से आया, तो ये मैंने आपको अभी सिखाया कि देखिए ये दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है, विदेश है। विभवांतर का मतलब क्या होता है कि एकांक आवेश को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो गया, विभवांतर हो गया, वो कौन है, विदेश है। तो DQ आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, विदेश DQ, और वो कह रहा है इसको लाने में किया गया कार्य कितना है, DW है। तो DW का मान हो गया विदेश DQ। क्लियर हुआ, एकांक आवेश को दो नंबर प्लेट से एक नंबर प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, वो कितना माना हुआ है, विदेश, ठीक है। तो DQ आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, विदेश गुणित DQ, और ये कार्य आपने माना हुआ है DW, ठीक है। अब ये विदेश का आपने क्या करा, मान भर दिया, तो विदेश बराबर क्या हो गया, क्यू बटे सी। अभी हाल आपने समीकरण नंबर एक में लिखा है विदेश इज इक्वल टू क्यू अपान सी, तो ये आप यहां पर समीकरण नंबर एक से विदेश का मान भर दिया आपने, क्यू अपान सी डी क्यू। अब आप क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब मेरे को तो कैपिटल क्यू चार्ज चाहिए इधर, है ना, मतलब पूरा आवेशित करना मेरे को। तो हम कहेंगे स्टार्ट में क्या पोजिशन थी, स्टार्ट में तो कोई दोनों प्लेटों पर आवेश था ही नहीं है, तो बीच की पोजिशन ली अपने, ये बीच की कोई स्थिति है, स्टार्ट में तो नहीं थी, मतलब यहां पर जीरो होगा आवेश, और जीरो से कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है, कर दो, तो पूरा कार्य कितना होगा, तो इसका समाकलन कर लो, तो पूरा कार्य निकल जाएगा आपका, संपूर्ण आवेश कैपिटल क्यू को दूसरी प्लेट से पहली प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, या स्थानांतरित करने में, ट्रांसफर करने में किया गया कार्य। तो आपने कहा डी डब्ल्यू की जगह आपने लिख दिया डब्ल्यू, ये कार्य हो गया, बड़ा कार्य है, डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिख दो। समाकलन कहां से कहां तक होगा, मैंने अभी हाल सिखाया आपको, जीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक होगा, क्योंकि स्टार्ट में प्लेट पर कोई आवेश नहीं था, बाद में आप लास्ट अल्टीमेटली आप कैपिटल क्यू चार्ज लाना चाह रहे हैं, तो कैपिटल क्यू लिख दो, और क्यू अपान सी डी क्यू, ये हो गया। मतलब ये सारे छोटे छोटे कार्यों को क्या करना पड़ेगा, उत्तरोत्तर रूप से सक्सेसिवली जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने इन सब कार्यों का समाकलन कर दिया, कौन सी लिमिट में, जीरो से कैपिटल क्यू की लिमिट में, क्योंकि स्टार्ट में चार्ज जीरो और आखिरी में हमको लाना है उस पर पहली प्लेट पर कैपिटल क्यू, तो ये जीरो से लेकर कैपिटल क्यू, और जो पहली प्लेट पर चार्ज लाते ना वही संधारित्र का चार्ज कहलाता है, तो उस पर कैपिटल क्यू आवेश आ गया, ओके, क्यू अपान सी। अब मैंने आपको यहां अभी हाल सिखाया, और वो क्या सिखाया मैंने आपको ये सिखाया कि अब आप ये सी यहां कांस्टेंट है, संधारित्र की धारिता है, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए। अब जो अंदर बचेगा वो बचेगा जीरो से क्यू की लिमिट में क्यू डी क्यू, तो ये वन अपान सी करके बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो ये पोजिशन हो जाएगी, ये अल्टीमेट पोजिशन है, फाइनल स्थिति, लास्ट स्थिति, कि इस पर प्लस क्यू, देखिए संपूर्ण आवेश क्यू आ गया यहां पर, और इस पर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू होगा ही सही आवेश संरक्षण से, और विद्युत क्षेत्र इनके बीच में इस तरीके से होगा, और ये विभवांतर आ गया, अभी कैपिटल भी हो गया, है ना, ठीक है। अब ये आपकी, इसको थोड़ा सा आपको अब हल करना है, जीरो से क्यू, क्यू अपान सी डी क्यू, तो मैंने क्या कहा कि सी को आप बाहर कर दीजिए, ठीक है, ये आपने सी को बाहर करा, और सी को बाहर करके आपने लिख दिया इसको जीरो से क्यू की लिमिट में क्यू डी क्यू। अब मैंने आपको सिखाया कि समाकलन क्यू डी क्यू होता है क्यू स्क्वायर बाय टू, तो इसको समाकलन क्यू और डी क्यू की जगह लिख दीजिए क्यू स्क्वायर बाय टू, लिमिट वही जीरो से क्यू की रहेगी, तो क्यू स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, लिमिट आपके पीछे आ जाएगी, इस तरीके से समाकलन हल होता है, ये मैंने अभी आपको सिखाया था। तो ये हो जाएगा वन अपान सी,
और ये आपका क्यू डी क्यू समाकलन, देखिए समाकलन का निशान क्यू और डी क्यू, इन सबकी जगह हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू, तो हो गया क्यू स्क्वायर बाय टू। अब ये लिमिट जो जीरो से क्यू की है, बड़ा ब्रेकेट लगा के इस पीछे लिख देना, ये लिमिट आपने लिख दी पीछे की तरफ, ये लिख दी आपने जीरो से क्यू में, ये लिमिट लिख दी आपने पीछे जीरो से कैपिटल क्यू। ओके, अब आपको लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करने का मतलब होता है कि जिसके सापेक्ष भी आपने समाकलन करा है उस राशि के अंदर एक बार अपर लिमिट लगाना, ऊपर की लिमिट लगाना, एक बार फिर लोअर की लिमिट लगाना। पहले ऊपर वाली लगाना, पूरा का पूरा लिखना, तो पहले ऊपर वाली लगा पूरा लिखो तो हो जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, फिर लगाना माइनस, और फिर नीचे वाला लगाना, तो इस क्यू की जगह आप लिखेंगे जीरो, तो जीरो स्क्वायर बाय टू। अभी यार जीरो स्क्वायर बाय टू तो जीरो हो जाएगा, तो फिर ऊपर वाली लगाने से ही काम चल रहा है, खत्म करो, तो ये हो जाएगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू। तो किया गया कार्य हो जाएगा वन अपान सी इज डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपान सी कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू, मतलब इसकी जगह ये कैपिटल क्यू आई है, और ये लिख रहे थे लेकिन ये जीरो होने से इसको हटा दिया, केवल ये वाला लिख दिया। यही किया गया कार्य क्या होता है, संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो संधारित्र की जो वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा वो यू लिखना आप डब्ल्यू की जगह, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी। और ये ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, ये जो संधारित्र को आप जितनी भी एनर्जी देते हैं, जितना भी आप कार्य करते हैं, वो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो माध्यम रहता है उसमें रहती है, और किस रूप में रहती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। अब ये एक सूत्र आ गया, अब इससे दो सूत्र और बना लेंगे अपन, सूत्र से सूत्र बनाना आपको कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो यहां पर एक बार आप सी का मान भर देना, एक बार आप क्यू का मान भर देना। कहां से भर देंगे, आपके पास फार्मूला है धारिता का, सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, उससे आप रख देना, है ना, ये सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी से एक बार सी रख देना, एक बार क्यू रख देना। अगर क्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, क्रॉस गुणा करोगे, तो एक बार सी इज इक्वल टू क्यू भी रख दो और एक बार क्यू की जगह सी भी रख दो। देखो सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी रख देना और एक बार क्यू की जगह सी भी रख देना, मतलब एक बार आप सी का मान भर देना, एक बार आप क्यू का मान भर देना। तो पहले ये भरते हैं अपन सी का मान, सी की जगह क्यू बटे वी लिखो, तो ये यू का मान हो जाएगा, समीकरण दो में ही रखना, यू का मान हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय टू और सी की जगह क्यू बटे वी हो गया। देखो क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो सी की जगह लिख दिया क्यू बटे वी, है ना। अब ये क्यू से क्यू का स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये ऊपर क्यू बचेगा, नीचे से वी जाएगा, तो क्यू वी हो जाएगा और बटे हो जाएगा दो, तो यू का मान आ जाएगा क्यू वी बटे दो। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये सूत्र था क्यू और सी में, ये आ गया क्यू और बी में, सी को रिप्लेस कर दिया, तो ये बिना सी का सूत्र एक और बन गया, है ना। आंकिक प्रश्न हल करते समय इन चीजों की जरूरत पड़ती। अब देखिए वापस क्यू की जगह सी भी रखो, देखो क्यू इज इक्वल टू सी भी कर दो, तो यहां क्यू की जगह सी भी रखो समीकरण नंबर दो में, तो समीकरण दो में ही रखना है दोनों बार मान, है ना, एक बार सी इज इक्वल टू क्यू अपान वी, एक बार क्यू इज इक्वल टू सी भी, तो रख दो, तो ये क्यू की जगह आपने रखा सी भी रख दो, तो ये देखो क्यू का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सी वी का होल स्क्वायर बटे टू सी। अब ये ऊपर हो गया सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे टू सी, देखो फिर से देखो सी वी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे टू सी, तो एक सी से सी का स्क्वायर काटोगे तो केवल सी बचेगा, तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपान टू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपान टू। ओके, ये आपका हो गया समीकरण नंबर चार। और मैंने आपको क्या सिखाया कि समीकरण नंबर दो तीन और चार तीनों ही जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र हैं, जो माध्यम में संचित रहती है और विद्युत क्षेत्र के रूप में आप इसको लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके फार्मूलाज हैं जो आपको बहुत जेई नीट वगैरह सब में काम आने वाले हैं। दूसरा